जय हिंद दोस्तों। जॉब से संबंधित तीन बड़े अपडेट हैं। पहले तो मैं बताऊंगा एसबीआई गार्ड का अपडेट और दूसरे दो राज्यों की वैकेंसी। लगभग 3,500 यानी कि 3,500 वैकेंसियां निकली हुई हैं दो राज्यों में, राजस्थान और कर्नाटक होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो एसबीआई गार्ड मध्य प्रदेश की वैकेंसी निकली थी, वो वैकेंसी उसके जिनके पास एडमिट कार्ड आ चुके हैं उनकी वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो गई है, यानी कि वो वैकेंसी कैंसिल हो गई है। उसमें अब आप अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें, जिनको पहले से मैसेज आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आप जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के एसबीआई आर्मर्ड गार्ड की वैकेंसी पोस्टपोन्ड हो गई है, पहली अपडेट ये। दूसरी अपडेट बता दें कि कर्नाटक और राजस्थान में वैकेंसी निकली हुई है। पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकली हुई है और सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 36 आरक्षण अलग दिया है। इसी तरह कर्नाटक का है। पहले तो मैं बता दूं राजस्थान की कितनी वैकेंसी है और कैसे अप्लाई करेंगे। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। 2730 पदों पर वैकेंसी है। इसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके थ्रू आप भर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बता दें इसमें जो परीक्षा शुल्क लगेगी वो परीक्षा शुल्क ₹450 लगेगी सामान्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, और इसके बाद राजस्थान के SC ST के लिए ₹250 लगेगी, बाकी सभी के लिए ₹450 फीस निर्धारित की गई है। इसके बाद एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी की फीस लगेगी, यानी कि जनरल है तो 450, नहीं तो SC ST है तो ₹250 लगेगी। अभी बात कर लेते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है, सूचना सहायक यानी कि इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें 2,2415 पद है कुल, जिसमें कि सबको डिवाइड किया है, जनरल SC ST OBC EWS सबके लिए डिवाइड किया गया है। इसमें एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों का 36 आरक्षण दिया हुआ है। इसमें टोटल 301 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए है, जिसमें अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन के लिए 143, EWS एक्स सर्विसमैन के लिए 30, MBC के लिए 15, OBC के लिए 21, ST के लिए 37, ST के लिए 55 वैकेंसी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी जो प्लेयर हैं उनके लिए 48 वैकेंसी है, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 24 वैकेंसी है। तो इस तरह से आपकी वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे वो फॉर्म 25 तारीख से भरे जाएंगे, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भर सकते हैं। और बता दें कि इसमें फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, जिसके माध्यम से आप भर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक जो भी होंगे, भूतपूर्व सैनिक को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिक आर्मी एयरफोर्स नेवी के ही होने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो होगा 3 साल प्लस डिडक्शन ऑफ सर्विस, और सैनिकों के लिए जो कोटा है 12.5% 36 आरक्षण दिया हुआ है राजस्थान सरकार ने। अभी हम बात कर लेते हैं जो दूसरी वैकेंसी निकली हुई है, ये वैकेंसी है कर्नाटक की। कर्नाटक में वैकेंसी है ब्रहुट बेंगलुरु महानगर पालिका में वैकेंसी निकाली गई है, जो ग्रुप डी की वैकेंसी है। 3673 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि टोटल पोस्ट 3673 है। 16 जनवरी 2023 से फॉर्म भरे जाएंगे, 30 जनवरी 2023 तक। इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन भरे जाए ऑफलाइन भरे जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। पहले तो मैं बता दूं कि इसमें ऑफलाइन जो फॉर्म भरा जाएगा, आप ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजेंगे। इसमें एक चीज और है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 55 साल तक के भूतपूर्व सैनिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बता दें कि इसमें जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा इस तरह का होगा, ये कर्नाटक की लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे क्या लिखा है, लेकिन आप इसको अपनी लैंग्वेज में है तो आप इसको भर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन अलग अलग हैं। एक तो ये नोटिफिकेशन है, इसको भी आप कर्नाटक की लैंग्वेज में देखेंगे। और इसमें बता दें कि टोटल 3243 वैकेंसी हैं और इसमें एक्स सर्विसमैन को भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है। इसी तरह दूसरा भी नोटिस है, ये भी कर्नाटक का है। दोनों नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके थ्रू आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं।
और फॉर्म का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि लेटेस्ट जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।